तो कैसे हो दोस्तों, आई होप सब बढ़िया होगे। तो आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एंड्रॉइड 13 बेस्ड रेडमी नोट 11 के लिए कस्टम रोम, जो कि आप लोगों की डिवाइस के यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप लोगों को एंड्रॉइड 13 के यहाँ पे मजे लेने हैं, तो आप लोग देख सकते हो किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। काफी ज्यादा ऑसम वीडियो आप लोगों को देखने को मिलते रहेंगे। तो हम यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग देखोगे तो इसका यहाँ पे बूट एनिमेशन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे 30 सेकंड ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उसके यहाँ पे बूट हो जाने देते हैं एंड आप लोग यहाँ पे देखोगे जो डिवाइस है बूट हो चुका है सक्सेसफुली। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात यार, इसमें काफी ज्यादा आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, जो कि काफी ज्यादा आप लोगों को यहाँ पे मतलब मक्खन चलने वाला है आपका फोन। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे जो कि एंड्रॉइड 12 का कंट्रोलर था वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसमें काफी सारी एक्स्ट्रा विजेट अगर आप लोगों को यहाँ पे ऐड करनी है तो ऐड कर सकते हो। एंड आपको यहाँ पे जो रिफ्रेश रेट है मोबाइल का वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे 60-90 Hz का रिफ्रेश देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पे और भी काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाते हैं। तो करते हैं इसकी सेटिंग ओपन एंड आप लोगों को बता दें क्या चीज आपको इसमें स्पेशल देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे आओगे अबाउट फोन में। अबाउट फोन में आप लोगों को यहाँ पे कुछ और भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो अबाउट डिवाइस में जाने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एंड्रॉइड 13, जो कि काफी ज्यादा इस टाइम पे ट्रेंडिंग आपको यहाँ पे चीज देखने को मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से घंटा बजाना होगा एंड कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इसके इमोजी चेंज कर सकते हो टैप एंड होल्ड करके, जो काफी ज्यादा कलरफुल आपको यहाँ पे इमोजी देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहली बात एंड्रॉइड 13 का, जो कि आपको यहाँ पे स्टेबल वर्जन देखने को मिल जाएगा, वो भी यहाँ पे अनऑफिशियल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो काफी अच्छी यहाँ पे आपको बात देखने को मिल जाएगी एंड कुछ इस तरीके से आपको पूरा का पूरा ये रोम स्विफ्ट देखने को मिल जाएगा। बात करें सिस्टम की तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से और भी यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे लैंग्वेज देखने को मिल जाएंगी, जो कि कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे सेक्शन देखने को मिल जाएगा एंड ये काफी अच्छे तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देखो डिजिटल वेल्डिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे 100% वर्किंग करती है। एक और रोम देखने को मिल जाती है लेकिन उसमें ये चीज यहाँ पे वर्क नहीं करती, तो इसमें ये यहाँ पे जो वेल्डिंग है डिजिटल वेल्डिंग वो यहाँ पे अच्छी तरीके से वर्क करती है। एंड अकाउंट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे अपना जीमेल जो भी आप लोगों लॉग इन करना होता है अकाउंट रिलेटेड वो यहाँ पे कर सकते हो। सेफ्टी इमरजेंसी के लिए कोई भी एक्स्ट्रा फीचर नहीं है, वही यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो नॉर्मल सी बात है लोकेशन पे यहाँ पे देख सकते हो, तो लोकेशन नॉर्मली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। बात करें प्राइवेसी की तो प्राइवेसी में आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्राइवेसी डैशबोर्ड पे जाओगे तो आपको यहाँ पे सारी जितनी भी आपको यहाँ पे प्राइवेसी रिलेटेड होती है वो सब यहाँ पे दिखाएगा। माइक्रोफोन कितना यहाँ पे यूज हुआ, लोकेशन आप लोगों को कितने यहाँ पे दिखाता है एंड लोकेशन कौन से अपने यहाँ पे यूज करेगी, तो वो सब आप लोगों को यहाँ पे दिखाता रहेगा साइड बाय साइड। और काफी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एड रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल कर यहाँ पे साउंड और वाइब्रेशन खोलोगे तो आपको यहाँ पे सारी साउंड देखने को मिल जाएंगी। मीडिया साउंड, कॉल साउंड यहाँ पे देख सकते हो, आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक और चीज देखने को मिल जाती है लाइव कैप्शन का, आपको यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएगा। स्मार्ट पोज भी देखने को मिल जाता है, साथ ही साथ आप लोग को यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस्फेयर का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा इस रोम के साथ, जो कि काफी अच्छी बात हो जाती है, जो कि आपके यहाँ स्पीकर में काफी ज्यादा लाउड आने वाली है। एंड आप लोग इसको यहाँ पे कन्वर्ट भी कर सकते हो, कैसे म्यूजिक में आपको चाहिए, मूवी में, गेम्स में, एंड कस्टम करना चाहते हो तो कस्टम भी कर सकते हो। तो स्मार्ट ऑडियो पे बेस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और काफी सारे यहाँ पे और भी एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि आपको यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे काफी ज्यादा सपोर्टेड आएंगे। जैसे जैसे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो तो कस्टमाइजेशन काफी ज्यादा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बैक करें यहाँ पे तो आप बैटरी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बैटरी यार इसकी काफी ज्यादा आपको अच्छी देखने को मिल जाएगी। बैटरी मैंने ऑलमोस्ट 2 दिन पहले अपना फोन चार्ज किया था एंड यहाँ पे मैंने काफी ज्यादा यूज भी किया, इतना हाईली मतलब गेम वेम नहीं खेला मैंने, तो यहाँ पे यूज किया मैंने, यूट्यूब चलाया एंड फीचर वीचर चेक किया, तो इसमें काफी ज्यादा बैटरी यहाँ पे ड्रेन नहीं होती है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 2 दिन से पहले मैंने चार्ज किया था और अब भी आपको यहाँ पे 69% देखने को मिल जाती है। तो बैटरी यार मेरी तरफ से तो काफी अच्छी आप लोगों को देखने को मिल जाएगी एंड डिवाइस में सब कुछ यहाँ पे आपको सब कुछ डिटेल देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। नीचे स्क्रॉल करोगे तो नोटिफिकेशन से रिलेटेड आपको और भी यहाँ पे ऐप देखने को मिल जाएंगे। इसमें बबल नोटिफिकेशन का भी आपको यहाँ फीचर देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोगों को पता होगा मैसेंजर में देखने को मिल जाता है। एंड ये वाली चीज MIUI के में भी वर्क करती है, अगर आप लोग MIUI के स्टॉक रोम पर हो तो आप लोगों को ये चीज यहाँ पर वर्किंग करती देखने को मिल जाएगी। एंड मैं यहाँ पे बता भी सकता हूँ कैसे यूज करना है, अगर वीडियो चाहिए बबल नोटिफिकेशन पर तो यार बता देना, मैं आप लोगों को यहाँ पे दे दूंगा। एंड यहाँ पे और भी चीज आपको देखने को मिलेगी, तो नीचे स्क्रॉल करके आप यहाँ पे बैक आ सकते हो। बात करें डिस्प्ले, एंड यहाँ पे देख सकते हो डिस्प्ले में आपको यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाएगी, लॉक स्टाइल भी यहाँ पे देख सकते हो, लोकेशन में देखने को मिल जाएंगे, और भी काफी सारे फीचर देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे प्राइवेसी की आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे कि आपका नोटिफिकेशन लोकेशन पे शो हो या नहीं हो, तो आप लोगों को जैसे रखना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रख सकते हो। एंड काफी कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे बात बैक करें एंड यहाँ पे देखोगे वॉलपेपर एंड स्टाइल, वॉलपेपर स्टाइल में आपको यहाँ पे देख सकते हो कस्टम वॉलपेपर भी देखने को मिल जाएंगे। अगर आप लोगों को बेसिक कलर पर रखना है तो बेसिक कलर भी यहाँ पे रख सकते हो, जो कि काफी सारे यहाँ पे फीचर देखने को मिल जाएंगे, जो कि कुछ इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो। आपको मोनेट थीमिंग की तरह यहाँ पे वर्किंग करता हुआ देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इसके कलर वलर भी यहाँ पे देख सकते हो। इस तरीके से आपको रेडिस देखने को मिल जाएगा, ब्लूस देखने को मिल जाएगा एंड वॉलपेपर का कलर चेंज करना चाहो तो वॉलपेपर का कलर भी चेंज कर सकते हो। तो अगर आपको चेंज वॉलपेपर करने तो इसमें यहाँ पे काफी सारे स्पार्क के वॉलपेपर भी देखने को मिल जाते हैं, अगर इनको ट्राई करना है तो इनको भी ट्राई कर सकते हो। नहीं तो और भी एक्स्ट्रा सारे यहाँ पे देख सकते हो अनफ्लैशेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, तो वॉलपेपर की कोई कमी नहीं है। अगर आप लोगों को अपना एक्स्ट्रा वॉलपेपर लगाना है तो वो भी लगा सकते हो, लेकिन इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग वॉलपेपर आप लोगों को यहाँ पे स्टाइल के साथ देखने को मिल जाएंगे। तो जो सभी आपको यहाँ पे यूज करना है तो वो यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो होम स्क्रीन पे हमने ये लगा,
लगा दिया तो यहाँ पे होम स्क्रीन पे फिट हो चुका है कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इसको दोनों पे लगा के यहाँ पे कस्टम आइकन्स भी क्रिएट कर सकते हो, जो कि आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से व्यू देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम वॉलपेपर स्टाइल में नीचे स्क्रॉल करें तो आपको थीम आइकन भी देखने को मिल जाएगा, जो कि आपके आइकन्स जो भाई इसी के बेस पर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को ये चीज यहाँ पे यूज करनी है तो इसके यहाँ पे यूज कर सकते हो। अपग्रेड भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि यहाँ पे देख सकते हो काफी सारे यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिल जाते हैं। 6x10 का भी ऑप्शन अवेलेबल है, ट्राई करना है तो काफी सारे लोग इस चीज को यहाँ पे मांगते हैं, तो इनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखोगे फायरवर्क देखने को मिलेगा, इस पर टैप करने के बाद आपको इसकी कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगी, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। इसमें थीम भी देखने को मिलेगा, मॉनिट थीमिंग देखने को मिल जाएगा, फोन सेटिंग देखने को मिल जाएगी, आइकन पैक, सिग्नल टावर, यहाँ पे जो सिग्नल का टावर होता है, आइकन सेप, आपको नेविगेशन बार किस तरीके से डिजाइन करना है। वैसे हम तो कैश बार यूज करें तो इसको यहाँ पे स्किप कर देते हैं। आपको आइकन सेप देखने को मिलेगा, बबल सेप, तो ये काफी सारी यहाँ पे स्टॉक की कस्टमाइजेशन है जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे इस तरीके की रोम में ऑलवेज रहती है। तो अगर आप लोगों को इन सबसे ट्राई करना तो ट्राई कर सकते हैं, एंड काफी कुछ और भी यहाँ पे कस्टमाइजेशन देखने को मिलेगा। स्टेटस बार रिलेटेड देख सकते हो, थीम देखने को मिल जाएगा, लोकेशन में कुछ और अगर चेंज करना चाहते हो तो वो भी चेंज कर सकते हो, काफी कुछ यहाँ पे देखने को मिलेगा। पावर मेन्यू से रिलेटेड भी यहाँ पे देख सकते हो, पावर मेन्यू जिसको बोलते हैं यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। एडवांस ये सब यहाँ पे इसमें चेंज एंड एडिट कर सकते हो अगर आप लोगों को यहाँ पे एडिट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो कनेक्शन डिवाइस, तो यहाँ पे ब्लूटूथ देखने को मिल जाएगा, एंड यहाँ पे वाईफाई नेटवर्क तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। प्राइवेट डीएनएस एंड वीपीएन का सपोर्ट भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। छोटी चीज यहाँ पे लोकेशन में जो है भाई आपको फेस लॉक का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता, पैटर्न एंड फिंगरप्रिंट का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है, तो इन दोनों के थ्रू आपको यहाँ पे सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है, जिस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। अब तो काफी सारे लोग कमेंट करके ये भी पूछते हैं कि डिवाइस सर्टिफाइड है, हम इसमें बैंक की एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं, हमको सेफ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात मैं दिखाई देता हूँ आप लोगों को लाइव, क्यों मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे आओगे जिस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। सेटिंग पे ओपन करते हैं, अबाउट फोन पे जाते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हो आप लोगों को क्लियरली मेंशन है कि डिवाइस इज सर्टिफाइड आपको देखने को मिलता है, एंड यहाँ पे वाइड वन एंड एल वन का भी सपोर्ट आपको इसमें देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे इस ऐप को ओपन करते हैं, नीचे यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। सिक्योरिटी लेवल L1 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे काफी ज्यादा आपको अच्छी चीज देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ HDR का भी सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। एक सेकंड में आप लोगों को यहाँ पे दिखाई देता हूँ, जो कि यहाँ पे देख सकते हो HDR10 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी अच्छी है। N90 एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा, तो इस बेस पे काफी ज्यादा ओसम आपको लिए कस्टमर रोम देखने को मिल जाएगी। कुछ इस तरीके से आपको काफी ज्यादा और फीचर देखने को मिल जाएंगे। और बात करें गेमिंग की, तो गेमिंग में आपको यहाँ पे सही बात बताऊँ, मैंने गेमिंग में टेस्टेड नहीं किया, अगर आप लोगों को टेस्ट करना है तो वो टेस्ट कर सकते हो। लेकिन एक चीज यहाँ पे कंफर्म है कि इसमें 90 FPS यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, अगर आपका यहाँ पे गेम सपोर्ट करता है 90 FPS को, तो ये चीज भी आपको यहाँ पे सपोर्ट करके देगी, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगी। एंड यहाँ पे सिक्योरिटी के मामले में भाई फुल यहाँ पे आपको थम्स अप देखने को मिल जाएगा, जो कि आप लोग इसको यहाँ पे यूज कर सकते हो। एंड मेरी फुली रिकमेंडेशन होगी, अगर आप लोगों को यूज करनी है तो यूज कर सकते हो। एंड्रॉइड 13 बेस्ट बाय अब तक की सबसे बेस्ट रोम देखने को मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी आपको यहाँ पे व्यू देगी, एंड एकदम स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। एनिमेशन वेनिमेशन सब कुछ आपको टॉप नोच देखने को मिल जाएगा। अगर ट्राई करना चाहते हो तो यार जस्ट इसको ट्राई कर लेना। अगर आप लोगों को इंस्टॉल करना है तो यार यूट्यूब पे काफी सारी वीडियो अवेलेबल है कि हम अपने कस्टम रोम कैसे इंस्टॉल करें। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके देखो तो आपको यहाँ पे मेरे से बेटर बताने वाले मिल जाएंगे, तो उनकी वीडियो यहाँ पे देख के कर सकते हो। आप लोगों को इस तरीके से देखने को मिल जाएगा, एंड इसका जो लिंक होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आपको जी वेनिला भी देखने को मिल जाएगा, एंड जीएफ वाली भी देखने को मिल जाएगी, जैसे आपको इंस्टॉल करनी है वैसे आप इंस्टॉल कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो जैसे वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं कंटेंट वीडियो में, जब तक लीजिए जय हिंद जय भारत।